हेलो गाइस, तो वंस अगेन आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके ही चैनल लर्निंग विद फन पर। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपसे वादा किया था कि आपके आने वाले सारे पीरियोडिक असेसमेंट टेस्ट के पेपर के हम सॉल्यूशन लेके आएंगे, तो चलो आइए आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास सिक्स का जो सब्जेक्ट साइंस का, ठीक है, पीरियोडिक असेसमेंट टेस्ट का जो आया हुआ है पेपर, उसके सारे सॉल्यूशंस हम इस वाले वीडियो में देखेंगे। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर हिट करना, क्योंकि मैं इस यहाँ पे, ठीक है, आपके सारे सब्जेक्ट साइंस हो, चाहे एसएस हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, उनके पूरे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन लेके आता हूँ और बहुत ही ईजी वे में लेके आता हूँ। आप इधर एक बार देख लोगे तो आपको ज़िंदगी भर वो याद करने को नहीं पड़ेंगे, ठीक है। चलो आइए तो वीडियो को हम चालू करेंगे विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल सेकेंड। ओके, तो चलो आइए देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो क्वेश्चन वन है गाइस, उसके अंदर हमें इस टेबल के अंदर बताना है कि क्या वो कार्बोहाइड्रेट है या फिर प्रोटीन है या फिर फैट है। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे हमने ट्यूशन में देखा था कि किस तरह से इनको हम टेस्ट करते हैं। तो चलो आइए, मैं यहाँ पे आपको टेबल जो है यहाँ पे मैंने कम्प्लीटली दिया हुआ है, तो फटाफट आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए और हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन टू पे, ठीक है। चलो आइए, तो अब हम क्वेश्चन टू में आ चुके हैं। हमें बताना है कि क्या ये जो सारे एनिमल्स, ठीक है, यहाँ पे जो आपको ब्रैकेट में ये सब एनिमल्स दिए गए हैं, क्या वो कार्बिवर है, हर या फिर हर्बीवोर है या फिर ओमनीवोर है, तो ये हमें हमने बताना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, लायन, काइट और कैट और हॉक, ये सब क्या हो जाएंगे गाइस, कार्निवोर हो जाएंगे। हर्बीवोर में कौन आ जाएगा, हर्बीवोर में आता है ग्रास ऊपर आ जाएगा, फिर डियर आ जाता है, फिर स्क्वायरल आ जाता है, और बाकी जो बचते हैं वो आ जाएंगे ओमनीवोरस में। फटाफट स्क्रीन शॉट ले लिए, आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन थ्री पे आ चुके हैं, ठीक है गाइस। तो क्वेश्चन थ्री में हमने देखना है, हाउ विल यू डिटरमाइन वेदर द, ठीक है, क्वेश्चन थ्री का जो फर्स्ट वन है हम भी वो देख रहे हैं, हाउ विल यू डिटरमाइन वेदर द गिवन फूड आइटम कंटेन प्रोटीन और नॉट, ठीक है। तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे क्या इसके अंदर प्रोटीन है या फिर नहीं है। तो याद है हमने किया था वो जो टेस्ट किया था, है ना, कि हमने बोले कॉस्टिक सोडा लेना था और उसको टेस्ट ट्यूब में डालना था, तो यही वाला टेस्ट है। अगर वायोलेट कलर आ जाता है दैट मीन्स कि उसके अंदर प्रोटीन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर है मैं स्क्रीन पर रख दे रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन हम बाद में देखेंगे, आप वीडियोस को देखिए, हमने ऑलरेडी डाला हुआ है। चलो तो देखिए क्वेश्चन थ्री का जो होगा फर्स्ट का आंसर वो यहाँ पे मैंने स्क्रीन पर रख दिया है, ठीक है। क्वेश्चन थ्री का ये फर्स्ट वन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्वेश्चन थ्री का ये फर्स्ट वन आंसर है। तो फटाफट टेक ए स्क्रीन शॉट और पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन थ्री का, वापस से अभी हम टू देखेंगे। तो क्वेश्चन थ्री का जो गाइज, एक सेकेंड, ठीक है, अभी ये जो क्वेश्चन थ्री का ये सेकंड नंबर का है गाइज। तो यहाँ पे देखिए, हाउ विल यू डिटरमाइन दैट अ पर्टिकुलर फूड मटेरियल इज विच पार्ट ऑफ अ प्लांट, ठीक है। हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कोई फूड मटेरियल कौन से प्लांट के कौन से पार्ट का है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसका आंसर आपको दे रखा है, तो फटाफट, ठीक है, यहाँ पे आंसर जो है क्वेश्चन थ्री का टू का, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे जो आंसर है क्वेश्चन थ्री का टू का, यहाँ पे ये पूरे आंसर्स हैं, ये वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट आप इसे या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन राइट नाउ, ठीक है। कल मत करना, आज ही लिख लो गाइज, अपने दोस्तों को शेयर करो, उनको भी हेल्प करो। और इस वीडियो का हमारा टारगेट है टोटल 2K लाइक्स, अगर मिलता है गाइज तो हम आने वाले एसएस का भी आपका वीडियोस बनाएंगे। चलो आओ आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे, ठीक है, जस्ट जस्ट क्वेश्चन फोर, हमने क्वेश्चन थ्री का वन और टू कर लिया, अब हम आगे बढ़ते हुए करेंगे क्वेश्चन फोर, जो कि है, वेट अ सेकेंड, जो कि है गिव रीजंस, ठीक है। क्वेश्चन फोर में क्या है, गिव रीजंस, तो हमें रीजन देना है। इट इज़ अ कंपल्सरी टू गेट अमाउंट प्रॉपर अमाउंट ऑफ, ठीक है, इट इज़ कंपल्सरी टू गेट प्रॉपर अमाउंट ऑफ सनलाइट फॉर गुड हेल्थ, ठीक है, यानी कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ में सनलाइट चाहिए होता है गुड हेल्थ के लिए, उसका रीजन देना है कि भाई क्यों ऐसा है, ठीक है। तो क्वेश्चन फोर का ए का जो फर्स्ट का आंसर है वो स्क्रीन के आपके सामने है, ठीक है। ये किसका आंसर है गाइज, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्वेश्चन फोर का ए का फर्स्ट वन का आंसर है, क्वेश्चन फोर ए का फर्स्ट वन आंसर है। तो फटाफट आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके तुरंत अभी लिख लीजिए। चलो आओ आगे बढ़ेंगे, और क्वेश्चन फोर का अभी हम ये सेकंड का, ठीक है, क्वेश्चन फोर का सेकंड का आंसर अभी हम देखेंगे। इफ़ अ पर्सन हैज़ अ वीक आई साइट ही शुड टेक मोर ऑफ कैरोट्स, ठीक है। अगर किसी को कमजोर आई साइट है, आंखों की रोशनी है, तो उसको पैरोट और पपैया लेना चाहिए, ऐसा क्यों, चलो इसका भी आंसर देख लेते हैं फटाफट। ओके, तो यहाँ पे आंसर आ चुका है, ठीक है। ये किसका आंसर है गाइज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप स्क्रीन शॉट, क्वेश्चन फोर का ए का सेकंड आंसर है, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, बराबर से लिखने दीजिए मुझे। ओके, क्वेश्चन फोर का ए का सेकंड का आंसर है। तो फटाफट आप ये गिव रीजन का जो है ना, यहाँ पे मैंने रीजन दिए गए तीन पॉइंट में देखूंगा। अच्छा हाँ, मैंने यहाँ पे जो आंसर है उसको पॉइंट वाइज दिया हुआ है, क्योंकि आप अगर पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। क्या हुआ था, कई सारे बच्चे ने तो मुझे बोल अप्रिसिएट किया कि सर आपने हमें फुल मार्क्स लाए, हमारे जो पेपर था उसके अंदर हमारा 45 प्लस मार्क्स आया। बट यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने ऐसा बोला कि सर मार्क्स मेरे 35 प्लस से क्यों आए। तो देखो गाइस, अगर आप आंसर को सही तरीके से नहीं लिखेंगे, आपकी राइटिंग खराब होगी, तो चांसेस है कि आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो इस बार जो है आपको पॉइंट्स में लिखना है। यहाँ पे देखो 1, 2,
ठीक है, यहाँ पे 1, 2 और 3 पॉइंट्स मैंने दिए हुए हैं, तो प्लीज़ इसे पॉइंट्स में ही लिखिए जिससे कि आपको फुल मार्क्स मिल सके, जो कि हमारा टारगेट होता है आपको फुल मार्क्स दिलाना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे क्वेश्चन 4 का, जो ये B1 है ना गाइज, ये B1 फिल द ब्लैंक्स, 1 मार्क का है फिल द ब्लैंक्स। तो इसमें आंसर क्या आएगा, ठीक है, अगर किसी को है ना मान लो कि घाव लग गया है, चोट लग गया है और उसका जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, तो कौन सी विटामिन उसे कंज्यूम करना चाहिए, तो इट्स अ वेरी सिंपल गाइस, विटामिन सी लेना है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा है, विटामिन सी आपने याद कर लेना है, विटामिन सी मैंने, ठीक है, यहाँ पे राइटिंग थोड़ा ओके, तो ये विटामिन सी आपको लेना है, इट्स अ वेरी सिंपल, विटामिन सी याद कर लीजिए। चलो आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन 5 को अभी हम देखेंगे, क्वेश्चन 5 का ए का देखेंगे, और ए में जो है फर्स्ट वन, विच थिंग शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल कुकिंग सो दैट न्यूट्रिएंट डू नॉट गेट डिस्ट्रॉयड, है ना, यानी कि कौन से दिमाग, कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो हमें दिमाग में रखना चाहिए जब हम कोई भी फूड मटेरियल को बना रहे हो, ठीक है, जिससे वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए। तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन 5 का आंसर 1 अभी हम देखने जा रहे हैं, तो बहुत ही सिंपल है ये रहे, ठीक है, ठीक है, ओके, लेट मी चेक, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, यहाँ पे है क्वेश्चन 5 का, ठीक है, क्वेश्चन 5 का ए का आंसर 1 यहाँ पे आ चुका है, क्वेश्चन 5 ए का फर्स्ट वन है, ठीक है गाइस, क्वेश्चन 5 ए का फर्स्ट वन का जो आंसर है यहाँ पे मैंने दे दिया हुआ है, तो आप फटाफट वीडियो को पॉज करके इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो आइए क्वेश्चन 5 का ए का फर्स्ट वन का आंसर बताया, अभी आगे बढ़ेंगे हम, आगे बढ़ते हुए हम भी देखेंगे क्वेश्चन 5 का फर्स्ट वन का, तो अपने मैंने बता दिया है, अभी क्वेश्चन 5 का जो सेकंड वन है ना गाइस, ठीक है, क्वेश्चन 5 का जो ये सेकंड वन है, व्हाई शुड वी टेक अ बैलेंस डाइट, हमें बैलेंस डाइट ही क्यों लेना चाहिए, ठीक है, तो उसके बारे में अभी हम देखेंगे, व्हाई शुड वी टेक अ बैलेंस डाइट, इसका रीजन हमें क्या देना है, आंसर बताना है कि व्हाई शुड, है ना, क्यों लेना चाहिए, रीजन देना है बैलेंस डाइट का। चलो आओ तो आंसर को अभी हम चेक करेंगे, तो इट्स अ वेरी सिंपल गाइस, यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर 2 है ना, ये क्वेश्चन 5 का ए का, ठीक है, यहाँ पे ये है जो ये क्वेश्चन 5 का ए का सेकेंड आंसर है, व्हाई शुड वी टेक अ बैलेंस डाइट, तो यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द गुड हेल्थ, है ना, इट्स अ वेरी सिंपल, तो यहाँ पे क्वेश्चन 5 का ए का सेकेंड का आंसर लिखा हुआ है, तो पॉज करिए वीडियो को, लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन वापस से 5 के बी पर बढ़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 5 के बी वाले हम सारे देखेंगे गाइस, ओके, लेट मी जस्ट ज़ूम इट आउट, ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन 5 के बी वाले को हम देखेंगे, तो यहाँ पे दादा इसमें हमें क्या करना है, ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है गाइस, हमने ट्रू और फॉल्स बताना है, बहुत ही सिंपल है, द डाइट शुड कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स, क्या ये सही है, बिल्कुल भाई, जो बैलेंस डाइट होता है उसके अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, वेदर इट्स अ प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। आगे बढ़ेंगे बी में, देखिए क्या है, द डाइट शुड कंटेन एडिक्यूट, ठीक है, यानी कि सही मात्रा में होना चाहिए, जो भी यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स होंगे वो सही मात्रा में होना चाहिए, वो बिल्कुल सही है, अगर मान लें आप प्रोटीन ज़्यादा ले लेते हो तो आपको कोई ना कोई बीमारी हो सकती है, ठीक है, कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा हरदम आपको नुकसान ही पहुँचाता है, तो इट्स अ वेरी सिंपल, यहाँ पे भी ट्रू आएगा, ए ट्रू, बी ट्रू, थर्ड वाला देखिए सी, ओनली कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, है ना, शुड बी इन सफिशियंट अमाउंट, यहाँ पे बोला जा रहा है कि सिर्फ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए पर्याप्त अमाउंट में, अरे बिल्कुल गलत है भाई, फॉल्स, फैट भी होना चाहिए, तो ये सी में फॉल्स आएगा। डी की बात करते हैं, द डाइट शुड बी इन अप्रोप्रिएट, सॉरी द डाइट शुड बी इन अप्रोप्रिएट, ठीक है, प्रोपोर्शंस, यानी कि जो डाइट है वो बहुत ही अप्रोप्रिएट मात्रा में होनी चाहिए, इट्स अ ट्रू, ठीक है गाइस, सब कुछ बराबर होना चाहिए, सो जो डी वाला है वो भी ट्रू है, तो जो आपका फॉल्स होगा वो सिर्फ और सिर्फ सी होगा, मैंने यहाँ पे स्क्रीन पर दे दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। यहीं पे क्वेश्चन 5 हमारा पूरा होता है, 100 मार्क आपको यहाँ पे, सॉरी 50 मार्क, 50 out of 50 आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, बस आंसर राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्लस आप पॉइंट में लिखना भैया, थोड़ा लाइन वाइज छोड़ के लिखोगे तो मार्क्स आपको फुल जरूर मिलेंगे, इसमें रॉन्ग होने के कोई चांसेस ही नहीं है, कोई रॉन्ग भी नहीं कर सकता है, ठीक है इसे। चलो तो वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, आपको फ्री में यार इतना हेल्प कर रहे हैं, तो गाइज आपकी इतनी तो फर्ज बनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें।